खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं आपको बता दूं कि खास मुलाकात इस कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक सेलिब्रिटी गेस्ट यहां पर उपस्थित हैं और मैं बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है इंडियन आइडल फेम मोहम्मद दानिश। सर सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आपको बता दूं कि मोहम्मद दानिश के अलावा हमारे साथ यहाँ तमन्ना एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स के मैनेजर आसिफ खान सर उपस्थित हुए हैं। सर आपका भी हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ इतना करम इस एल्बम के म्यूजिक स्टोरी डायरेक्टर हैं हमारे साथ यहाँ पर सागर डेहरिया सर। एक्चुअली इस फिल्म को एल्बम को प्रोड्यूस किया है इनकी वाइफ ने, तो सर वो तो यहाँ नहीं है लेकिन उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए मोहम्मद दानिश, हमारे नागपुर की जनता के लिए आप नागपुर में पहली बार आए हैं आई थिंक, तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं जब भी नागपुर आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और अपने बारे में क्या ही बताऊँ, मैं छोटा मोटा सिंगर हूँ, सीख रहा हूँ अभी गाना बजाना, तो अभी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों ने इंडियन आइडल में देखा होगा मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार दिया सब लोगों ने, उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। एंड जब भी मैं नागपुर आता हूँ तो मुझे बहुत, मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ। मैंने अपनी जो म्यूज़िक की शिक्षा ली है वो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में मेरे नाना जान वो पढ़ाते थे जी, तो वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है, वो तो यहीं से मैं छोटा आया करता था तो ट्रेन से जाया करते थे उस टाइम पे। अच्छा। तो नागपुर स्टेशन पे रुकती थी हमारी ट्रेन, तो तब हम मैं निकलता था यहाँ से, सिर्फ मैं स्टेशन पे आया था, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम नागपुर आ रहा हूँ बाइक की बदौलत। एंड इतना खूबसूरत जो है वो गाना इन्होंने लिखा है, माशाल्लाह एक कलाम लिखा है, और तो ये मेरे को मौका मिला यहाँ पर आने का, और बहुत ही कमाल का यहाँ का वेदर है, बहुत ही कमाल के लोग हैं यहाँ पर, बहुत ही प्यार मिल रहा है यहाँ पर, तो मज़ा आ रहा है नागपुर आके। सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को चंद दो लाइनें सुनाइए आपके न्यू एल्बम की। इतना करम पे कर दे अल्लाह, इतना करम पे कर दे अल्लाह, ये मुकादर मेरा मुझसे रूठ न जाए, मेरे यार का साथ छूट न जाए, बहुत हो चुकी गम की रातें नबी, अब तो थोड़ी सी मुझको सहर दे अल्लाह, इतना करम पे कर दे या अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है सर, आपकी आवाज और आपकी जो वर्डिंग है उसने हम सभी का दिल छू लिया है। सर ये बताइए कि इंडियन आइडल के बाद आपको इतनी शोहरत मिली है, तो क्या कुछ चेंजेस लगता है एक नॉर्मल लाइफ और एक सेलिब्रिटी लाइफ में, क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? सेलिब्रिटी लाइफ का तो मुझे मैम अभी कुछ पता नहीं है जी, खैर लेकिन प्यार बहुत मिल रहा है लोगों का। मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहना चाहता हूँ, मैं अपने अंदर कभी वो चीज़ नहीं लाना चाहता हूँ कि हाँ मैं एक स्टार हूँ, एक सेलिब्रिटी बन गए, मुझे ज़मीन से जुड़े रहने में पसंद है, अपना अपनी मिट्टी से जो लोग जुड़े रहते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, एंड मैं कभी इस बारे में सोचता भी नहीं हूँ। लेकिन इंडियन आइडल में आने के बाद जो है वो पूरी लाइफ जो है वो हमारी चेंज तो बिल्कुल हुई है, लोग इतना प्यार करते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं आज पूरे वर्ल्ड में हम लोग शोज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम शोज़ कर रहे हैं जहाँ पर बड़े बड़े लेजेंड्स जिनका ख्वाब होता exactly. है, सिंगर्स का ख्वाब होता है कि हम उस स्टेज पे वेम्बली लंदन में परफॉर्म करें, तो वहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, तो ये सब लोगों का प्यार है एंड ब्लेसिंग्स हैं हमारे मम्मी डैडी की और मेरे पूरे फैमिली की, एंड आशीर्वाद है ऊपर वाले का। सो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी ऐसा समय बहुत अच्छा चल रहा है, बस मैं तो ऊपर वाले का बस धन्यवाद करूँगा, शुक्रगुजार हूँ मैं अल्लाह का कि बस ऐसा ही चलता रहे। सर ये बताइए कि नॉर्मल लाइफ इन द सेंस अभी तक आप किसी सिंगर की कॉपी करके उनके जैसे गाने की कोशिश करते थे, लेकिन एज अ सेलिब्रिटी आप अपने ओन गाने में अपनी आवाज़ दे रहे हैं, ओन एल्बम में आवाज़ दे रही है, तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आज लोग सारी दुनिया आपको एज अ सेलिब्रिटी, एज अ फेमस सिंगर के रूप में देख रही है, तो
क्या महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को? हाँ जी बिल्कुल, अभी अपने हमारे गाने आ रहे हैं तो हर सिंगर का एक ख्वाब होता है कि उसके गाने मार्केट के अंदर आए, लोग उसके गाने, खुद के गाने जो हैं वो लोग गुनगुनाएं। अभी हम दूसरों के गाने गुनगुनाते हैं, हम लोग इंडियन आइडल में जो परफॉर्मेंस करते थे वो गाना किसी और सिंगर का होता था, उसको हम अपने स्टाइल में पेश करते थे। तो आज हमारे गाने लॉन्च हो रहे हैं तो एक हर सिंगर का एक ख्वाब होता है कि यार मेरे गाने जो है वो लोग गाएं, मेरे गाने लोग सुने, तो अब वो अच्छी चीज़ है। सर वो ज़्यादा टफ था, ये काम ज़्यादा टफ है? मैम टफ तो कुछ भी नहीं है, टफ तो ये तो हमारा म्यूज़िक है, म्यूज़िक बचपन से करते आ रहे हैं हम, यही अगर ये टफ लगने लगा हमको तो मतलब फिर तो हो गया काम। ये तो मतलब ये हमारे जीवन है, ये लाइफ है, ये इंजॉय करते हैं हम लोग। जो भी चीज़ आ रही है उसको एक्सेप्ट करो और अपने हिसाब से उसको, उसमें मज़ा आता है हमें, ये कोई टफ नहीं लगता कि हमें मुझे करना है, मुझे ये हो रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, नहीं नहीं मुझे वो करना, ये हमारी लाइफ है, इसको हमें म्यूज़िक में, मैं जब भी रहता हूँ तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ म्यूज़िक को, तो ये ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली आ ही जाता है खुद ही खुद ब खुद, अगर इससे अलग जाएंगे हम तो वो टफ चीज़ होगी। मतलब पूरा आपकी दुनिया जो है वो म्यूजिक इंडस्ट्री के इर्द गिर्द घूमती है, विदाउट म्यूजिक हम रह भी नहीं पाएंगे। अच्छा सागर डेहरिया सर, मुझे बताइए कि इस खूबसूरत सा एल्बम इतना करम, इसकी आपने स्टोरी लिखी है, तो क्या दिमाग में आया था आपके, क्या सोच के आपने ये इतनी प्यारी खूबसूरत सी स्टोरी लिखी है? एक दरगाह है भोपाल में जी, तो मैं हमेशा दरगाह में भी जाता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ, मेरे हिसाब से कि सबसे बड़ा धर्म है वो मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। बिल्कुल। मैं ऐसा गीत लिखना चाहता था जिसमें एक ऐसी स्टोरी हो कि जो एक कम्युनल हारमोनी जिसमें हो, सांप्रदायिक सद्भाव हो, तो एक बहुत खूबसूरत सी स्टोरी, लव स्टोरी हिंदू मुस्लिम गर्ल्स बॉयज की है, और उस स्टोरी को जो जान जिसमें गाने में दी है हमारे दानिश भाई ने दी है और उनकी आवाज में वो गाना बहुत खूबसूरत बन गया है, और स्टोरी क्योंकि यहीं पर शूट हुई है, दरगाह में शूट हुई है, तो आप जब इसको SMW फिल्म प्रोडक्शन के चैनल में देखेंगे तो बहुत अच्छी एक स्टोरी है और ओवरऑल बहुत अच्छा उसमें है। तो मेरी यही सोच थी कि हम एक मिसाल पेश करें एक इंसानियत की, एक धर्म की, जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, तो वो उसी हिसाब से स्टोरी और गाने के बोल लिखे गए। जी सर क्या बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से। आसिफ खान सर, आप तमन्ना एंटरटेनमेंट और इवेंट के मैनेजर हैं, आपको आप कितने साल से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं? हमारी कंपनी को 11 साल, अल्लाह का शुक्र है कि अभी कंप्लीट हुए हैं जी, 11 सालों से हम सेलिब्रिटी मैनेज कर रहे हैं, और नागपुर से और भी दूसरे शहरों से और इंडिया के बाहर से भी हमें बहुत प्यार मिला, बहुत दुआएं मिली, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ आपका? अभी मैं आपकी बातें ही सुन रहा था कि जब आपने पूछा दानिश जी से कि कैसा लगता है आपको पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में, तो उसका एक जवाब मैं भी देना चाहूँगा कि फनकार कभी बनता नहीं है, फनकार पैदा होता है, और वो फनकार दो किस्म का होता है जी, एक बड़ा होता है और एक में बड़प्पन होता है। तो बहुत कम फनकार ऐसे होते हैं जिनमें बड़प्पन होता है, मोहम्मद दानिश उन फनकारों में है जिनमें बड़प्पन है, बहुत बहुत बड़ी बात है, जो इतने बड़े स्टेज पे जाने के बाद, जिनका मैं ये कहूँ कि जमीन पे कम वक्त बीत रहा है, हवा में ज्यादा वक्त बीत रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद में भी आप देखें कि किसी का एक गाना आ जाए या इंडियन आइडल के टॉप 10 में भी पहुंच जाए तो उसका एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसका बात करने का नजरिया बदल जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, और दानिश जी कोई ऐसे सिंगर नहीं है कि साल दो साल चार साल से सीखे हैं, बल्कि इनका घराना कई सालों से आ रहा है, और इतना सब कुछ तैयार होने के बाद में भी ये जमीन से जुड़े हैं, सबसे खास बात तो यही है। और तो ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा मोहब्बत का एक गुलदस्ता बना हुआ है, यहाँ सब लोग अपनेपन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सागर डेहरिया जी की आप अभी बात कर रहे थे, तो वो अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से, लोग बोलते हैं ना कि सीखने की क्या उम्र होती है, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और उसके बाद में भी उन्होंने जब कलम उठाया तो मोहब्बत पे कुछ बात लिखनी चाहिए, और वो बड़ी कमाल हो गई, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि नेकी की राह पे जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो आगे के रास्ते कैसे आसान हो जाते हैं उसकी खबर नहीं चलती, उनकी कलम को जान भी मिल गई इनकी आवाज से, उन्होंने कंपोज किया, लिखा है, उसके बाद में बड़ी खूबसूरती से दानिश भाई ने इसे गाया है। तो मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में जो सबसे अदना सबसे छोटा काम है वो मुझ खास साहब ने किया है,
सर मुझे बताइए कि हमें पता चला है कि नागपुर में इस एल्बम के कुछ पार्ट्स लिए गए हैं शूटिंग के तौर पे, जिसमें नागपुर का ताजबाग दरगाह और बीटीपी का फार्म हाउस भी शामिल है जी। तो कैसा महसूस किया आपने दोनों जगह के स्पॉट को? मैं इसकी शुरुआत कुछ उल्टे तरीके से बताना शुरू करता हूँ, रिलीजिंग को लेके। पहले तो हम लोग इसका रिलीज करने का प्लान मुंबई में चल रहा था, लेकिन मुंबई में आए दिन इतनी चीजें रिलीज होती हैं, तो हम सोचे कि यार नागपुर में इसे रिलीज करना चाहिए। तो जहाँ रिलीज की बात मैं नागपुर में सोच रहा हूँ, वही मैंने शूटिंग को लेके भी नागपुर का प्लान किया। बहुत सारे यहाँ रिसोर्ट घूमे हैं, लेकिन जब बीटीपी में इसके पहले गया था तो वहाँ की लोकेशन मुझे इतनी कमाल की लगी कि नहीं यार यहाँ पे ये शूट होनी चाहिए। और ताजबाग दरगाह, मुझे ये कहने में बड़ा फख्र महसूस होता है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े दरबार हैं, बहुत बड़े अल्लाह वली के आस्थान हैं, लेकिन ताजबाग को हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जगह मिली, सबसे बड़े एरिया में ताजबाग दरगाह फैला हुआ है। और जो उसमें अभी काम किया गया है सब रिनोवेशन का, बहुत कमाल। तो वहाँ शूट करने में भी बहुत अच्छा लगा और सब लोगों का सपोर्ट मिला ना, हमें किसी अदर लोकेशंस में प्रॉब्लम हुई ना दरगाह में प्रॉब्लम हुई, सब लोगों ने साथ दिया और एक साथ एनओसी लेके हमने ये दो दिन में इस गाने को कंप्लीट कर दिया। दानिश सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाल ही में आई थिंक लास्ट मंथ सितंबर में आपने टीवी सीरियल, दो जो सब टीवी के सीरियल्स थे, एक पुष्पा इम्पॉसिबल और दूसरा वागले की दुनिया, इसमें गणपति सीजन के दौरान आपने गणपति विसर्जन का एक सॉन्ग गाया था जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया, तो कैसे मौका मिला आपको? बिल्कुल, मेरी खुशनसीबी है कि मैंने एक्चुअली क्या हुआ कि बॉम्बे में ना गणपति चलते हैं तो बड़ा ट्रैफिक रहता है, तो मैं सोच रहा था कि यार मुझे भी एक गाना मिलना चाहिए ऐसा कि मैं भी यार एक गाना गाऊँ, मेरा भी यहाँ पे गाना बजे और सब लोग इन्जॉय करें मेरे गाने पे। तो ख्याल ही सोच रहा था, इतने में हमारे जो हैं वो जो हमें मैनेज करते हैं उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक गाना है सीरियल के लिए, और जब मैंने वो सुना तो मैं कह अरे वाह, ये तो जो मैं सोच रहा था ये वही निकला। तो देन हमने नेक्स्ट डे इसको रिकॉर्ड किया एंड ये आया, फिर लोगों ने इसको इतना प्यार दिया, मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना मतलब चलेगा ये गाना जी। तो बहुत मज़ा आया मेरे को, ये नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, बिकॉज मैं हमेशा से गाना चाहता था। सर फिर भी ये हिंदू गाने गाने में कई बार कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ता है, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं जी मैम, ये कंट्रोवर्सी का तो शिकार नहीं हुआ हूँ मैं लेकिन वो लोगों का नज़रिया है, वो कुछ भी किसी और नज़रिए से देखते हैं, वो कुछ किसी और नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हमारी जो है वो आस्था वो सबसे जुड़ी हुई है, सबका सम्मान करना चाहिए, सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मैं तो लाइव शोज़ में गणेश वंदना से स्टार्ट कर देता हूँ, देवा श्री गणेशा मैं परफॉर्म करता हूँ अपने हर शो में, आखिरी में परफॉर्म करता हूँ, तो ये तो मानसिकता के रूप से बात है। सर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि लास्ट में आपसे एक ही सवाल मेरा रहेगा कि अब तक की लाइफ का आपका सबसे फेमस सॉन्ग कौन सा था, और उसकी चंद लाइनें आप हमारे दर्शकों को गुनगुना के बताइए। मैम ये तो मुझे भी नहीं पता मेरी लाइफ का सबसे फेमस सॉन्ग कौन सा था क्या बात है सर मैं एक्चुअली देखता नहीं हूँ कि कौन सा फेमस सॉन्ग हुआ है क्या हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सॉन्ग जो आपको हमेशा गुनगुनाने पे मजबूर कर दे। हाँ बिल्कुल, अभी मेरा एक मैं जो इंडियन आइडल में गाया हूँ वही ज़्यादा लोगों ने सुना है, शायद 40 या 50 मिलियन के आसपास कोई व्यू मैंने लास्ट टाइम देखे थे, अभी पता नहीं कितने हुए, बट मैं कभी काउंट नहीं करता हूँ, लेकिन वो सुना देता हूँ। बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है, बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं।
दर्शकों, इस जादुई आवाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए थे मोहम्मद दानिश अपने नए एल्बम इतना करम को लेकर। हम चाहते हैं कि नागपुर की जनता, न सिर्फ नागपुर की जनता बल्कि ऑल ओवर इंडिया में और बाहर भी इनके इस एल्बम को बहुत सारा प्यार मिले, इनके काम को, इनकी आवाज को बहुत सारी शोहरत मिले। ऐसे बहुत सारे बेस्ट विशेस हैं सर हमारी तरफ से आपके लिए। एंड आपको फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए थे एंटरटेनमेंट इंडियन आइडल फेम मोहम्मद दानिश और साथ ही साथ तमन्ना एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स के मोहम्मद आसिफ खान सर और साथ ही साथ इस इतना करम इस एल्बम की स्टोरी म्यूजिक के डायरेक्टर सागर डेहरिया सर। तो एक बार फिर आप सभी का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आखिरी सवाल सर दानिश सर, हम जाते जाते हमारे नागपुर की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नागपुर की जनता को मैं सबको तो पहले सलाम बोलता हूँ एंड सबको मेरा लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस एंड प्यार करते रहिए और इस गाने हमारे गाने को शेयर कीजिए। आज शाम 6 बजे गाना लॉन्च होने वाला है तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जैसा कि आपने हमारे पिछले गानों को प्यार दिया है, इसको भी उतना ही प्यार दीजिए बल्कि और ज़्यादा प्यार दीजिए, बिकॉज ये जो गाना है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी आस्था से जुड़ा हुआ गाना है ये। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा एंड सुनिएगा एंड थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।